नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के करंट अफेयर्स, नोट किसी भी परीक्षा में आ सकते हैं। सवाल नंबर एक, प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना की शुरुआत किस देश में हुई? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2018। तीसरा सवाल, भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी नई योजना शुरू हुई है? ऑप्शन ए हथौड़ा योजना, ऑप्शन बी भक्त योजना, ऑप्शन सी फेकू योजना, ऑप्शन डी पकौड़ा योजना। पकौड़ा योजना के तहत कितने रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए हर साल 2 करोड़, ऑप्शन बी हर साल 0, ऑप्शन सी कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी जितना चाहे उतना। प्रथम प्रधानमंत्री पकौड़ा योजना का कार्यकाल क्या है? ऑप्शन ए 2014 से 18, ऑप्शन बी 2005 से 2010, ऑप्शन सी 2005 से 2014, ऑप्शन डी 2014 से 2019। जनगणना 2021 के अनुमान के अनुसार सबसे अधिक लोग किस रोजगार में होंगे? ऑप्शन ए डिजिटल क्षेत्र, ऑप्शन बी सरकारी नौकरी में, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी पकौड़ा बेचने में। जेटली के बजट का पकौड़ा टेस्ट, आप देख रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट का पकौड़ा टेस्ट जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। ब्रेक से पहले आपने देखा किस तरह नए तरह के प्रश्नों के बाद परीक्षार्थी परीक्षा पास कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए सोशल मीडिया पर तैयार हुए प्रश्न पत्र को पास करने के बाद किस तरह का रोजगार मिलेगा और कितनी तनख्वाह मिलेगी। प्रधानमंत्री चाय पकौड़ा उज्जवल भविष्य रोजगार योजना, सोशल मीडिया के मुताबिक इस योजना के लिए 10वीं पास से लेकर एमकॉम तक आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम है मुख्य पकौड़ा बनाने वाला यानी चीफ पकौड़ा मेकर। इसके लिए जितने भी बेरोजगार हैं देश के सब आवेदन डाल सकते हैं। डिग्री स्नातक परास्नातक पकौड़ा बांटने वाला, जितने भी बेरोजगार हों 18 से 35 साल की उम्र के, 10वीं पास, 300 रुपया प्रतिदिन जरूर मिलेंगे। चाय बांटने वाला, जितने भी बेरोजगार हों उम्र 18 से 35 साल, 9वीं पास, 200 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम जरूर मिलेंगे।